बीजेपी का 400 पार का नारा महज एक शिगुफा था। दक्षिण हरियाणा के दम पर ही अब हमें अपने राजनीतिक वर्चस्व को बचाना होगा। दक्षिण हरियाणा की लड़ाई लड़ने के लिए हमें लंबा संघर्ष करना होगा और राजनीतिक रूप से पिछड़ेपन को दूर करने के लिए एकजुटता के साथ आगे बढ़ना होगा। यह बयान भारतीय जनता पार्टी के सांसद और गुरुग्राम से हाल ही में प्रचंड जीत दर्ज करके आए राव इंद्रजीत सिंह के हैं। जी हां, हरियाणा की राजनीति में पिछले कुछ वक्त से जो सियासी उठापटक देखने को मिल रही है, राव इंद्रजीत सिंह ने अब ये संकेत दे दिए हैं कि बीजेपी हाईकमान को झुकाने के लिए वो कोई भी उचित कदम उठाएंगे जिससे कि दक्षिण हरियाणा का राजनीतिक वर्चस्व वापिस से हरियाणा की राजनीति में स्थापित हो पाए। आपको बता दें कि मार्च के महीने में दुष्यंत सिंह चौटाला की पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन तोड़ दिया था, लिहाजा बीजेपी को इस लोकसभा चुनाव में 5 लोकसभा सीटें गवाकर उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, जबकि दुष्यंत चौटाला के खाते में एक भी लोकसभा की सीट नहीं आई। राव इंद्रजीत सिंह का वो बयान सुनिए जिसमें साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तमाम उन नीतियों की मुखालफत करते हुए नजर आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं केंद्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए हार का कारण बनी है। सुनिए जरा। बड़े पीछे गुड़गावा के अंदर जो मेरे को नुकसान उठाया, आज बिजली नहीं आ रही, आज कूड़ा नहीं उठाया गया, आज ये भी हुआ, आज मतलब सूरज बंद है। भाई ये सरकार हमारी 10 साल चल करके ये हमारे गुड़गांव में ही होना था, सूरज नहीं था, गुड़गांव में ही होना था, क्योंकि बिजली सरप्लस है। अगर बिजली सरप्लस है तो ये 10-10 घंटे क्यों कटाओगी, इलेक्शन के दौरान क्यों हुआ और गुड़गांव में क्यों? मुझे औरों का पता नहीं, गुड़गांव में क्यों, रेवाड़ी में क्यों, गुड़गांव में लोकसभा में क्यों, ये सवाल पूछे जाएंगे। और अब मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूँ, मोटे मोटे तौर के ऊपर, कि भाई पार्टी के डिसिप्लिन में मैं रहा, पार्टी के डिसिप्लिन में हारती रही। हमने चाह के नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तुमने बनाया, हमने बनाया, अभी भी आज के दिन देश की जनता ने बनाया, नरेंद्र भाई मोदी बन गया। हरियाणा का चीफ मिनिस्टर कौन है? ये सवाल तो सुना आपने, राव इंद्रजीत सिंह क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं न्यूज रूम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, तमाम सहयोगियों से जानने की कोशिश करेंगे। अश्रुति मेरे साथ मौजूद हैं। अश्रुति, किस तरीके से देखती हैं राव इंद्रजीत सिंह का ये बयान कि दक्षिण हरियाणा की लड़ाई लड़ेंगे और इसके साथ साथ हरियाणा में सीएम की कुर्सी के लिए तमाम हाईकमान के सामने वो दबाव भी बनाया जाएगा जिससे कि हाईकमान को झुकने पर मजबूर किया जाए? क्या राव इंद्रजीत सिंह चौथी बार जो जीत दर्ज करने के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर बगावती सुर या फिर दबाव बनाने की राजनीति करते हुए नजर आएंगे? देखिए, हरियाणा में आप देखें, पहली जो समीकरण है वो बहुत ही गंभीर तरह से कहीं ना कहीं बदला हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जो कुर्सी है वो पहले ही खतरे में है और अब जेजेपी की ओर से जब से आप देखें गठबंधन कहीं ना कहीं टूटा, उसके बाद से लगातार विपक्ष की ओर जो कहीं ना कहीं झुकाव हमें देखने को मिल रहा है जेजेपी का, उसके बाद बयान जिस तरह से सामने आ रहा है, मुझे लगता है अब जो बगावती सुर है वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बीजेपी की ओर दिखाना शुरू करेंगे, क्योंकि नायब सिंह सैनी की आप देखिए बहुत जल्द कुर्सी छीन ही जाएगी। कहीं ना कहीं आप देखिए जिस प्रकार से हरियाणा में सरकार गिर रही है, भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के तमाम विधायकों ने आप देखिए जिस प्रकार से कांग्रेस को समर्थन दिया था, उसके बाद से कहीं ना कहीं हरियाणा में जो आप देखिए जिस प्रकार से मुख्यमंत्री बदला गया बीच में, और केवल इसीलिए बदला गया था कि लोकसभा चुनाव में जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं हरियाणा का भारतीय जनता पार्टी की ओर मुड़ता दिखाई दे। लेकिन बीजेपी उस पूरे निर्णय के बाद, पूरे समीकरण के बाद, इस समय भारतीय जनता पार्टी पे मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ गई और सरकार अब मुझे लगता है आने वाले समय में चुनाव, विधानसभा चुनाव से पहले गिरेगी। जेजेपी का कहीं ना कहीं जो एक गठबंधन हमें देखने को मिलेगा, एक जो झुकाव देखने को मिलेगा वो विपक्ष की ओर जाता हुआ जरूर दिखाई देगा। बिल्कुल, जेजेपी यहां पर अहम रोल निभाएगी क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक समीकरण तैयार हो रहे हैं, जेजेपी के दो विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा जो कि जींद की नरवाणा विधानसभा सीट से विधायक हैं और इसके साथ साथ हिसार की बरवाला सीट से विधायक जोगीराम सिहाग, दोनों का भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा दिलवा सकती है और उन्हें टिकट की कमिटमेंट यहां पर कर दी गई। माही मेरे साथ मौजूद है। माही, किस तरीके से देखती है भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में होते हुए भी यहां पर सरकार को बचाने के लिए तमाम हथकंडे अपनाती हुई नजर आ रही है? क्या जेजेपी में टूट डालकर ही यहां पर हरियाणा में सरकार को बचाया जा सकता है?
देखिए, इसमें दिनेश कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से जेजेपी लगातार नायब सिंह सैनी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी और लगातार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को और उनकी जो पार्टी है उसको भंग करने के पूरे प्रयास में लगी थी, लेकिन इस बार जेजेपी को खुद ही एक बड़ा झटका लग गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार जेजेपी कुछ ऐसा खास करते हुए नजर आएगी। और जो आपने पार्टी में टूट की खबरें बताई हैं, और वो जाहिर तौर पर होने ही वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से कहीं ना कहीं हरियाणा की सरकार गंवाने का चांस नहीं लेगी। और इस बार जो जेजेपी को दुष्यंत सिंह चौटाला को बड़ा झटका लगा, ऐसे में माना जा रहा है कि उनकी पार्टी खुद खतरे में पड़ सकती है। वहीं अजय सिंह चौटाला ने यह बयान दे दिया है कि इस बार फिर से पार्टी खड़ी होगी और मेहनत किया जाएगा और जो भी रणनीतियां हैं उनको भंग करके नई रणनीति बनाई जाएगी। तो ऐसे में देखना होगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा तो जरूर मिलेगा। बिल्कुल, यहाँ पर जननायक जनता पार्टी की निष्क्रियता या उसकी कमजोरी का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा सकती है, क्योंकि जाट नेताओं के दम पर यहाँ पर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव को साधने की तमाम रणनीतियां शुरू की जा चुकी हैं। मनीष मेरे साथ मौजूद हैं। मनीष, किस तरीके से देखते हैं नायब सिंह सैनी को पावरलेस सीएम बताया जा रहा है बीजेपी के उन विधायकों की तरफ से, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर हाईकमान से नाराज है? क्या ऐसे में नायब सिंह सैनी की कुर्सी आपको खतरे में दिखाई देती विधानसभा चुनाव से पहले? जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से विपक्ष द्वारा यहाँ पर नायब सिंह सैनी पर दबाव बनाया जा रहा है दिनेश, उसको लेकर ये समझा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के बीच जो सियासी हलचल हरियाणा में हुई है, अनिल विज की नाराजगी हो, चाहे नायब सिंह के ऊपर जो दबाव बनाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, चाहे वो हो, कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी जो है पूरी तरह से गिरती हुई नजर आ रही है और नायब सिंह सैनी जो है यहाँ पर काफी मुश्किलों का यहाँ पर सामना करते हुए नजर आए। और ऐसे में ये लगता है कि नायब सिंह सैनी कुछ कन्फ्यूजन में, कुछ डिसीजन लेने में यहाँ पर कोई भी कारगर नहीं हो पा रहे हैं, और उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि नायब सिंह सैनी की कुर्सी जो है वो कहीं ना कहीं खतरे में, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो चाहे वो विपक्ष की तरफ से हो, क्योंकि विपक्ष यहाँ पर तमाम वो कोशिशें करता हुआ नजर आ रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं उनकी सरकार बन जाए, नायब सिंह सैनी किसी तरह यहाँ से मुख्यमंत्री पद से हट जाए। बिल्कुल, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को बेदखल करने के लिए कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष एकजुट होकर के ये दावे करता नजर आ रहा है कि हमारे पास संपूर्ण बहुमत है, 45 विधायकों का समर्थन है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास यहाँ बहुमत परीक्षण के लिए पर्याप्त विधायक नहीं है। अक्षय मेरे साथ मौजूद हैं, किस तरीके से देखते हैं अक्षय, 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा लोकसभा चुनाव में, यहाँ कांग्रेस पार्टी क्या तख्तापलट करने की सूरत में विधानसभा चुनाव में दिखाई देती है? देखिए बिल्कुल, एक नहीं मुझे कई चीज यहाँ दृश्य नजर आ रही है। अगर सबसे पहले समीकरण देखिए, यहाँ पर जो संख्या है वो देखिए, आमतौर पर देश में देखने को मिलता है, देश समूचे भारतवर्ष में देखने को मिलता है, अगर औसत निकाला जाए एक लोकसभा के अंदर विधानसभा का, तो तकरीबन 5 से 6 आते हैं, लेकिन हरियाणा में आप देखेंगे तो एक लोकसभा के अंदर तकरीबन 8 से 9 तक 10 विधानसभाएं तक आ जाती हैं। अगर इस हिसाब से देखा जाए जो 5 कांग्रेस ने जीती, यानी कि विधानसभा की आधी सीटें कांग्रेस जीत रही है सीधे तौर पर, और वहां पर अब अगर देखा जाए जो मौजूदा विधानसभा कार्यकाल हरियाणा का है उसे पूरा करना दांतों तले, यहां लोहे के चबाने जैसी स्थिति बन गई है नायब सिंह सैनी के लिए। वहीं अब भाजपा के लिए अपनी सरकार बचाने के लिए देखिए कई चुनौतियां, अपने जिक्र भी है इस बात का, क्या यहाँ पर भाजपा अगर जजपा को तोड़ देती है, अगर जजपा के कुछ विधायक अपने साथ ले आती है तो पहले क्या उसी के आधार पर सरकार बचेगी? देखिए संभावना तो यही है कि अगर जेजेपी के कुछ विधायक यहाँ जेजेपी से ही दुष्यंत चौटाला से बगावत कर भारतीय जनता पार्टी का दामन रोकना चाहूंगा। यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर को केंद्रीय मंत्री बनाने का कहीं ना कहीं जो है प्रस्ताव दिया गया है, उनको बुलावा आया है, तो क्या यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर के नाम की जो एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही थी केंद्रीय मंत्री पद देकर के हरियाणा में उस राजनीति को साधने की कोशिश भाजपा कर सकती है? देखिए एंटी इनकम्बेंसी दिनेश कितनी है ये तो मुझे, मेरा मानना है कि सीधे तौर पर चुनावी बताएंगे, यहां पर चुनावी परिणाम ही बताएंगे। मध्य प्रदेश में लगातार चर्चा थी उस एंटी इनकम्बेंसी की, जिसके चलते शिवराज सिंह चौहान को आलाकमान ने दरकिनार कर दिया, लेकिन जब सीटें आई, जब यहां गिनती हुई तो उसने हर किसी को चौंका दिया, 150 पार भाजपा मध्य प्रदेश के चुनावों में कर गई थी। अब मनोहर लाल खट्टर को आपने दिल्ली भेज दिया है, उनके नाम के खिलाफ जो माहौल था वो माहौल कुछ हद तक शांत हो सकता है, लेकिन माहौल भाजपा के भी खिलाफ था, भाजपा के नाम के खिलाफ था, जो शायद शांत ना हो और विपक्ष अगर उसे उस मौके को भुना पाए तो शायद बीजेपी को सत्ता से भी दूर कर दे। बिल्कुल, यदि विपक्ष इस पूरे मुद्दे को भुना पाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से रुखसत कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके के सियासी समीकरण इस वक्त दिखाई दे रहे हैं वो हरियाणा में बीजेपी के लिए बिल्कुल अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न नहीं करते हैं, और ऐसे में आगामी 90 दिन काफी अहम होने वाले हैं, जिसमें हरियाणा में विधानसभा चुनाव का भी ऐलान हो जाएगा। फिलहाल न्यूज रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।